थायराइड के मरीजों को क्या एंटीबॉडीज की जांच कराना ज़रूरी है, और अगर जांच करानी चाहिए तो कौन सी एंटीबॉडीज की जांच करानी चाहिए, और क्या ये एंटीबॉडीज की जांच बार बार फॉलोअप्स में रिपीट टेस्टिंग में कराने का कोई भी फ़ायदा है या नहीं है, और किन किन मरीजों को ये एंटीबॉडीज़ की जाँच रिपीट करानी ज़रूरी भी है, ये सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल, और मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक है। तकरीबन जो भी मरीज थायराइड के क्लिनिक में आते हैं वो ये सवाल डेफिनेटली पूछते हैं। इसके पहले वाले वीडियोस के कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किए हैं कि ये क्वेश्चन के आंसर पे मैं हाईलाइट करूं, तो आप सबकी रिक्वेस्ट पे आज का हमारा बहुत बड़ा प्रैक्टिकल डिस्कशन आज होने वाला है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि थायराइड की ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है। देखिए, एंटीबॉडीज़ जो होती है ये एक खास प्रकार के प्रोटीन होते हैं, और ये प्रोटीन बनाती है हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक क्षमता। साधारण केसेस में एंटीबॉडीज़ का होना हमारे शरीर को कोई भी बीमारियों से बचाने का काम होता है, लेकिन कभी कभार ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशन होती है जहाँ पे ये एंटीबॉडीज़ बाहर के किसी घटक को इन्वॉल्व ना करके आप ही के शरीर के ऊपर हमला करना शुरू कर देती हैं, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम आपका कहीं पे भी हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपके जॉइंट्स में हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपकी चमड़ी पे हो सकता है, ये प्रॉब्लम आपके पैनक्रिया पे हो सकता है, या तो इवन आपके थायराइड पे हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन ये एंटीबॉडीज़ आपके शरीर के कौन से पार्ट को डैमेज करती है, उस प्रकार का मेडिकल हेल्थ कंडीशन आपको होता है। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं थायराइड के ऊपर, तो हम यही एंटीबॉडीज़ का थायराइड के ऊपर क्या इन्वॉल्वमेंट है और ये टेस्टिंग की क्या ज़रूरत है, उसके बारे में ही हम आज रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। तो देखिए, थायराइड का जो हेल्थ प्रॉब्लम है ना, ये हार्मोन का सबसे ज़्यादा कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, और आज के इस दौर में ऑटो इम्यून थायराइड के प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं पूरे विश्व भर में और भारत में भी। और इसके पीछे मेन वजह है हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डे टू डे लाइफ में आए हुए जो टॉक्सिसिटी और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स। इसके बारे में मैंने अलग वीडियो में बताया है कि क्या क्या आपके घर में ऐसी छुपी हुई चीज़ें हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करके आपको थायराइड की समस्या को लेके और नज़दीक आती है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देखिएगा, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक भी मौजूद है। ठीक है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स के वजह से ऑटो इम्यून हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और जैसे ही हम ऑटो इम्यून थायराइड की बात कर रहे हैं, हम मेनली तीन एंटीबॉडीज़ की ही बात कर रहे हैं। अब ये तीन एंटीबॉडीज़ के ऊपर डिटेल में मैंने डिस्कशन दूसरे वीडियो में किया है, आज के वीडियो में हम रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे ये टॉपिक के ऊपर ही। तो जब भी हमें लगता है कि आपको थायराइड की कोई एंटीबॉडीज़ की जाँच करानी चाहिए, तो वैसे केसेस में तीन ही एंटीबॉडीज़ की जाँच आपके डॉक्टर आपको कह सकते हैं। सबसे पहली है NTTPO एंटीबॉडी, जिसको हम एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडी से जानते हैं। दूसरी एंटीबॉडी है जिसको कहते हैं एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, जिसको ATG से जानते हैं। और तीसरी एंटीबॉडी है जिसको हम कहते हैं TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म TRAB से नाम के से जानते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ऑटो इम्यून थायराइड प्रॉब्लम है, तो ये तीन एंटीबॉडीज़ की टेस्ट करानी ज़रूरी हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेडिकल केस में ये तीनों के तीनों टेस्ट हम रेकमेंड करें। तो अगर आपको आपके शरीर में कोई भी ऐसे थायराइड के लक्षण लग रहे हैं,
तो वैसे केस में जब आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी मेडिकल कंडीशन सुनेंगे और उसके बाद में आपको रिपोर्ट्स की एडवाइस करेंगे। तो रिपोर्ट्स में जब हम थायराइड हार्मोन की टेस्ट तो कराते ही है, TSH, T3 और T4 हार्मोन, उसके साथ साथ अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको हाइपोथायराइड वाली समस्या है, तो वैसे केसेस में दो एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा प्रेविलेंट है। पहली है NTTPO एंटीबॉडी और दूसरी है एंटीथायरोग्लोबुलिन ATG एंटीबॉडी। और अगर आपके डॉक्टर को लग रहा है कि आपको हाइपरथायरॉयड की समस्या है, आपका थायराइड जरूरत से ज़्यादा काम कर रहा है, तो वैसे केसेस में ये दोनों एंटीबॉडी के साथ साथ डॉक्टर आपको तीसरी एंटीबॉडी यानी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी की भी टेस्ट कराने को कह सकते हैं। ये रिसेप्टर की एंटीबॉडीज़ पे हम क्यों ज़्यादा आज डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये रिपोर्ट्स होती है महंगी। जी हाँ, 1000 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक की ये एंटीबॉडीज़ की जाँच होती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके इतने वैल्यूएबल और मेहनत की करके पैसे जो कमाए हैं वो ये रिपोर्ट्स के पीछे आप वेस्ट करें, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो। तो कब कब आपको ये रिपोर्ट रिपीट करानी ज़रूरी है और कब आपको ये रिपोर्ट करानी रिपीट में नहीं है? तो सबसे पहली है न्यू डायग्नोसिस, यानी आपको शरीर में कंप्लेंट्स है, आपके लक्षण ऐसे आ रहे हैं, डॉक्टर को लग रहा है कि आपको थायराइड प्रॉब्लम है। तो वैसे केसेस में बहुत सी बार स्पेशलिस्ट डॉक्टर साथ साथ में ही एंटीबॉडीज़ करा लेते हैं। बहुत सी बार कुछ डॉक्टर वेट करते हैं, पहले आपकी हॉर्मोन्स की जांच कराएंगे, उसके रिपोर्ट देखेंगे, अगर उसमें गड़बड़ दिख रही है फिर एंटीबॉडीज़ की जाँच कराएंगे। वो डिपेंड करता है, या तो एट अ गो सब हो जाता है, या तो कभी कभी दो बार में हम कराते हैं, डिपेंड्स ऑन केस टू केस, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि अगर आप दो स्टेप में कराएंगे तो आपको दो बार खून देना पड़ेगा, दो बार आपको पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फ़ायदा ये भी है कि अगर आपने पहले से हार्मोन की जांच कराई है तो आपको पता है आपको थायराइड प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको वो एंटीबॉडीज़ नहीं कराएंगे तो आपके पैसे वो बच जाते हैं। तो प्लस माइनस दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स है। यानी कि शुरुआत के स्टेज में आपको शरीर में लक्षण है जो लग रहा है कि आपको थायराइड की समस्या लेके आ सकता है, आपके परिवार में किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, या तो आपको और कोई ऑटो इम्यून वाली हेल्थ कंडीशन है, तो वैसे केसेस में हो सकता है डॉक्टर आपको ये सब रिपोर्टिंग कराने को कहें। और जैसे ही अब उसके रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं, आपकी एंटीबॉडीज़ बढ़ी हुई आती है, तो उसका निदान होता है, हमें ये पता चलता है कि आपका थायराइड का समस्या अगर है तो किस टाइप का है, क्या ये ऑटो इम्यून है या ये ऑटो इम्यून नहीं है। और जैसे ही आपके डॉक्टर को आपकी डायग्नोसिस पता हो चुकी है, वहाँ पर आपकी एंटीबॉडीज़ की रिपीट टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ, अब डॉक्टर को पता चल गया कि आपको ऑटो इम्यून वाला हेल्थ प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, तो इसको सबसे ज़्यादा हाशिमोटोज डिजीज़ के नाम से जानते हैं, और अगर हाइपरथायरॉयडिज्म है तो सबसे ज़्यादा ग्रेव्स डिजीज ऑटो इम्यून कंडीशन में आया जाता है। तो ये हो गया आपका डायग्नोसिस पक्का। अब डायग्नोसिस के हिसाब से डॉक्टर ने आपको दी है दवाइयाँ। अगर हाइपरथायरॉयड है तो आपको एंटीथायरॉयड दवाइयाँ लगेगी, और अगर हाइपोथायरॉयड है तो आपको लिवोथायरॉक्सिन वाला हार्मोन रिप्लेसमेंट लगता है। अब ये दवाइयाँ आपने शुरू की है, जब आपको वापस फॉलोअप में आपके डॉक्टर के पास जाना है, तब क्या ये रिपोर्ट वापस करानी ज़रूरी है? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये रिपोर्ट आपकी बदली नहीं होने वाली। जो दवाई आपके डॉक्टर ने आपको दी है वो दवाइयाँ आपके थायराइड हार्मोन को ठीक करने के लिए दी है, या तो आपका थायराइड कम कार्य कर रहा था या तो ज़्यादा कार्य कर रहा था, उसको ठीक करने के लिए। ये दवाइयों से आपकी एंटीबॉडीज़ ना बढ़ने वाली है ना कम होने वाली है, उस पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसीलिए हम ये नहीं रेकमेंड करते कि आपके फॉलोअप्स में ये रिपोर्ट कराइए। देखिए, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं, कभी कभी क्या होता है, आधा ज्ञान भी ज़्यादा आपको डैमेज कर सकता है। तो लोग क्या करते हैं, हर बार डॉक्टर ने नहीं बताया फिर भी अपने ओवर कॉन्फिडेंस और गूगल नॉलेज के बाद में रिपोर्ट टेस्टिंग हर बार रिपीट कराते जाते हैं। इसके पीछे दो वजह होती है। एक तो उनको वो जानना होता है कि जो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी है क्या वो मेरे बॉडी में सही तरीके से कार्य तो कर रही है या नहीं कर रही है।
क्या मेरा ऑटोइम्यून प्रॉब्लम जा तो रहा है या नहीं जा रहा है। तो वैसे जानने के लिए बहुत सारे मरीज बार बार ये रिपोर्ट कराते रहते हैं, तो ऐसा करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, आपके सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहे हैं। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसी दवाई नहीं देने वाला है जो आपकी एंटीबॉडीज़ को कम करेगा। क्यों ऐसे? क्योंकि एंटीबॉडीज़ बनती है भाई आपके थायराइड की जो प्रॉब्लम है उस पर जो इम्यून सिस्टम अटैक करिए उसके वजह से हो रहा है। तो कोई भी डॉक्टर आपके इम्यून सिस्टम से छेड़खानी नहीं करने वाला और एंटीबॉडीज़ को कम करने की दवाई भी नहीं होती है, और वो रेगुलर केसेस में तो डॉक्टर्स इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आपकी ट्रीटमेंट के बाद में आपकी एंटीबॉडीज़ में परिवर्तन नहीं आने वाला है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि शुरुआत में जब आपने एंटीबॉडी कराई है तो उसकी लेवल समझो कि आई है 500 एग्जाम्पल के तौर पे। कुछ महीनों के बाद में आपने ट्रीटमेंट लिया, आपका थायराइड तो ठीक हो गया, आपकी एंटीबॉडी हो गई है 600। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपका थायराइड और बिगड़ते जा रहा है? जवाब है नॉट नेसेसरी। उसी प्रकार अगर आपका लेवल कम हो रहा है, 500 के जगह पे 300 आ गया, तो क्या इसका ये मतलब है कि आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएगी? वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यानी एंटीबॉडीज़ को रिपीट कर करके आपको ऐसा लगता है कि मेरी दवाइयाँ बंद हो जाएगी, तो ये बहुत बड़ा एक मिथ भ्रम है। हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ प्लस माइनस हो रही है आपके शरीर में, आपको लक्षण में कुछ डिफरेंस शायद से फील हो पाए, लेकिन आपकी दवाइयाँ तो डेफिनेटली बंद नहीं होने वाली। बहुत सारे मरीज आते हैं मेरे पास जो रिपीट टेस्ट करा के आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर पहले लेवल ये था, अब लेवल कम हो गया, अब मेरी दवाइयाँ बंद कर दो। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका रूट कॉज जो ऑटो इम्यून रह चुका है वो एंटीबॉडीज प्लस माइनस होने से रूट कॉज में बदलाव नहीं आने वाला है। यानी ऐसे केसेस में रिपीट एंटीबॉडीज़ कराना आपके पैसे को वेस्ट करना है, और हो सकता है बार बार अगर आप एंटीबॉडीज़ करा रहे प्लस माइनस हो रहा है, आपको मेंटली एक अलग प्रकार की एंजाइटी और टेंशन घबराहट पैदा हो, वो एक अलग ही मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सबसे पहली कंडीशन। दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं सब क्लिनिकल थायराइड प्रॉब्लम, जिसको सादी भाषा में मैं कहूँगी बॉर्डर लाइन वाला थायराइड प्रॉब्लम। तो अगर आपको बॉर्डर लाइन वाला थायराइड प्रॉब्लम रहा है तो वैसे केसेस में डॉक्टर्स आपकी एंटीबॉडीज़ कराएंगे, और अगर एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव आती है तो बेस्ड ऑन आपका इंडिविजुअल मेडिकल केस क्या है, डॉक्टर ये निश्चय करेगा क्या आपको दवाइयों की ज़रूरत है या नहीं है। बहुत सी बार ऐसा पाया गया है कि अगर आपके एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है तो आज आपका जो थायराइड बॉर्डर लाइन पे है, हो सकता है आगे चल के भविष्य में ये प्रॉपर फुल फ्लेज थायराइड प्रॉब्लम बन जाए। कितने वक्त में ये होगा ये भी हमें एंटीबॉडी से नहीं पता। बहुत लोग आते हैं पूछते डॉक्टर आज तो बॉर्डर लाइन पे है, बताइए मेरे पास कितना वक्त है, 6 महीना 1 साल, कब मुझे थायराइड का एक्चुअल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा? तो देखिए ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि ये अगेन डिपेंड करता है कि एंटीबॉडीज़ का अटैक आपके थायराइड ग्रंथि पे कितना है, आपकी थायराइड ग्रंथि कितना इसको रिस्पॉन्ड करती है, और क्या उसकी हार्मोन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, तो उस पे भी डिपेंड करता है। तो ये हो गया सेकंड कंडीशन सब क्लिनिकल थायराइड प्रॉब्लम। हो सकता है डॉक्टर आपको रेगुलर इंटरवल के फॉलोअप्स में बुलाए, 6 महीना 1 साल 2 साल डिपेंडिंग ऑन, 3 महीना डिपेंडिंग ऑन आपका पर्टिकुलर मेडिकल केस, और वैसे केसेस में शायद से एंटीबॉडीज़ को रिपीट कराना ज़रूरी हो सकता है। तीसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं ग्रेव्स डिजीज़। देखिए ये नाम बहुत भारी है, लेकिन ये ग्रेव्स डिजीज़ सादी कंडीशन को अगर मैं कहूँ तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म टाइप वाली समस्या है, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य करती है। तो अगर आपको ग्रेव्स डिजीज़ हाइपर थायराइड की समस्या है, तो वैसे केसेस में आपको आपके डॉक्टर ने एंटी थायराइड की दवाइयाँ का सुझाव किया होगा। तो वैसे केसेस में आपकी TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी ट्रैप वाली एंटीबॉडी ज़्यादा रहेगी। तो बहुत सी बार हमने ऐसा पाया है कि अगर आपकी ट्रैप वाली एंटीबॉडीज़ अगर बढ़ी हुई है, तो अगर वैसे केसेस में अगर आपने थायराइड की जो दवा को बंद कर दिया, तो आगे चल के आपका थायराइड प्रॉब्लम वापस रिलैप्स में जा सकता है।
साथ ही साथ एंटीबॉडीज़ लेवल अगर पॉजिटिव है तो वैसे केसेस में हम आपकी एंटी थायराइड दवाइयों का बंद करने का सुझाव भी नहीं करते। यानी वैसे केसेस में ट्रैप वाली एंटीबॉडीज़ हो सकता है डॉक्टर आपको 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के इंटरवल पे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक कंडीशन है जो होती है बच्चों में, जी हाँ, बहुत सारे बच्चों में थायराइड का प्रॉब्लम होता है। अब जैसे ही उम्र बढ़ती है वो बचपन से बढ़ जाते हैं तरुणावस्था यानी टीनेज में। तो जब टीनेज का जो ट्रांजिशन होता है ना, शरीर के अंदर बहुत सारे हॉर्मोन्स का ट्रांजिशन होता है। आपके शरीर में ग्रोथ हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन लड़कियों में, टेस्टोस्टेरॉन लड़कों में, ये हॉर्मोन्स की मात्रा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। तो वैसे केसेस में कभी कभार थायराइड की जो कंडीशन है ये कभी कभी ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है। तो जब बच्चा एक बचपन से लेकर तरुणावस्था में जाता है तो वैसे केसेस में भी आपके डॉक्टर्स आपकी एंटीबॉडीज़ करा सकते हैं। देखिए, जब आप बच्चे थे तब आपका मेडिकल केस पीडियाट्रिशियन डॉक्टर हैंडल कर रहे थे, अब आप टीनेज में आ गए तो आपका जो मेडिकल केस है वो पीडियाट्रिशियन डॉक्टर से आगे चल के एडल्ट डॉक्टर के पास आ जाएगा। तो वैसा जब ट्रांजिशन होता है तो वैसे केसेस में हम एंटीबॉडीज़ कराना प्रिफर करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार और एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं थायराइड का कैंसर। देखिए, थायराइड का अगर कैंसर है आपको या हुआ है तो उसके लिए आपने कोई भी ट्रीटमेंट कराई हो सकती है। या तो आपने ऑपरेशन कराया होगा, या तो आपने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जो भी डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया था आपने वो ट्रीटमेंट कराई है। तो जब आपकी थायराइड कैंसर प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो उसके जब आप फॉलोअप्स में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वैसे केसेस में डॉक्टर आपका थायरोग्लोबुलिन, जो एक प्रोटीन है, और एंटी थायरोग्लोबुलिन की एंटीबॉडी, ये दोनों की टेस्टिंग करा सकते हैं। और ये दोनों टेस्टिंग के बेसिस पे हम ये अनुमान लगाते हैं कि आपका थायराइड का कैंसर से आपकी जो जर्नी थी वो हीलिंग की तरफ बढ़ रही है या अभी भी वो कुछ प्रॉब्लम स्टेज में है। तो वैसे केसेस में भी आपकी थायराइड की एंटीबॉडीज़ कराना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पे हाइपोथायराइड की समस्या की बात करूँ, जो सबसे ज़्यादा कॉमन थायराइड का प्रॉब्लम है, वैसे केसेस में रिपीट थायराइड एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट, ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन हाँ, अगर आपने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे परिवर्तन किए हैं जो आपकी इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर रही है, तो हो सकता है आप ये रिपीट कराइए। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि घर में ऐसी कौन सी चीज़ें छुपी हुई है जो आपकी थायराइड को ट्रिगर कर रही है। आपने अपने लाइफस्टाइल में बहुत मेजर ड्रास्टिक चेंज किए हैं, आपने आपके खाने पीने में चेंजेस किए हैं, आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस किए, अगर ऐसे चेंजेस किए हैं तो हो सकता है आपकी एंटीबॉडीज़ में थोड़ा बहुत चेंजेस आए। लेकिन एंटीबॉडीज़ का बढ़ना या तो उसका कम होना, ये कोई भी एंगल से आपकी थायराइड की दवाओं को बंद करने की तरफ नहीं लेके जाता। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्लिनिक में हमें यही आता है, डॉक्टर मेरी एंटीबॉडीज़ तो कम हो गई, मेरी दवाई अब आप बंद कर दो। तो देखिए, ये एंटीबॉडीज़ कम होने से आपकी दवाइयों में चेंजेस उतना मेजर नहीं आता है। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग बहुत सारे क्लेम्स करते हैं, हम आपके एंटीबॉडीज़ को कम कर देंगे, हम आपके थायराइड को रिवर्स कर देंगे। अगर आप ऐसे कुछ गिमिक्स में पड़ते हैं तो हो सकता है आप ज़्यादा निराश हो, मायूस हो, बल्कि और आपको लगे कि थायराइड तक बोझ भरा ज़िंदगी बन चुकी है। क्योंकि बहुत सी बार ऐसे भी हमारे पास लोग आते बोलते, हमने डॉक्टर ये प्रोग्राम किया है, उनका वो प्रोग्राम किया, सब करने के बाद में भी हमारा थायराइड का एंटीबॉडीज़ कम नहीं हुआ है, हमारा थायराइड नहीं हुआ, ये थायराइड की बीमारी है या क्या, क्या हमारी जान ही ले के जाएगी। तो देखिए, ऐसे जब आप प्रोग्राम्स में एनरोल करते हैं तो आपका माइंडसेट एकदम पॉजिटिव रखें, आपकी ओवरऑल हेल्थ डेफिनेटली अच्छी होगी। लेकिन आप ये सोच के करें कि मेरी एंटीबॉडी ज़ीरो हो जाएगी, मेरी थायराइड की दवाइयाँ ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाएगी, वैसे एक्सपेक्टेशन से करेंगे तो आप बल्कि और डिप्रेशन में चले जाएंगे। वैसे भी थायराइड के मरीजों को डिप्रेशन का प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। तो वैसे केसेस में मैं आपको अवॉइड ही करूँगी कि ऐसे रिपीटेटिव टेस्टिंग करा के आप आपके पैसे भी ना वेस्ट करें, ना आपका मेंटल बैलेंस भी खोए, ठीक है।
आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ नई अच्छी और सही जानकारी हासिल हुई होगी। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। अगर आपके कोई निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट को पढ़ती हूँ, डिटेल में उसका जवाब देने की कोशिश भी करती हूँ। ठीक है, तो अगली बार वापस मिलेंगे कुछ एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।